हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका स्वागत करती हूँ मनीषा व्लॉग्स में। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमने ये घिस लिया है गाजर को। गाइस, हमने धो के अच्छे से घिस लिया है। ये है गाइस 2 किलो गाजर। तो चलिए गाइस, मैं इसको धो के अच्छे से पानी से और इसको घिस लिया है। अब चलिए गाइस, मैं आपको आगे की बताती हूं। गाइस, ये हमारी कढ़ाई अच्छे से धो के हमने चढ़ा लिया है। अब इसमें डालेगा घी। ये हमने कितना घी ले लिया है गाइस? हमने 3 चम्मच घी ले लिया है। हमारा घी मेल्ट हो गया है और इसमें हम गाजर डाल देंगे। हमने घिसी थी इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर ले रहे हैं और अब हो गया ये हमारा मिक्स। इसमें हम हमारे यहाँ एक फुल लीटर का दूध है, उसको हम डाल देंगे। हमने गाजर मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे फुल क्रीम का दूध है 1 लीटर, तो हम डालेंगे इसको। गैस में पानी नहीं डालना है, इसको गर्म कर लिया था गैस हमने दूध को। अभी हमें स्लो आंच पे पकता रहेगा। और कम मीठा पसंद है तो आप कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो। इसमें हम चीनी डाल दी है हमने और इसको हम अभी धीमी धीमी आंच पे फिर से पकाएंगे आधे घंटे तक। ये हमारा अभी आधा पका है, 7 बजे से 7:45 तक। देखिएगा, इस धीमी धीमी आंच पे हमने इसको पकाया है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। बनके तैयार है। इसमें अब हम डालेंगे इलायची पाउडर। बस को हमने धीमी आंच पे पका लिया है, एकदम सूखा हो गया है। जब अब इलायची पाउडर डालेंगे, देखिए गाइस कितना पका है, तो इतना हो गया। इसमें अब हम डालेंगे खोया। देखिए गाइस, इसको गाइस हम छोड़ के डाल रहे खोए को। ड्राई फ्रूट भी डाल दिए, इसमें काजू और बादाम है। देखिए दानेदार बढ़िया बन के तैयार हो गया है। आपको मैं अब दिखाती हूँ सर्व कर। गाइस, ये हमारा हलवा बन के तैयार हो गया है। तो गाइस ये देखिए आप भी, इसमें हमने ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल दिए थे। तो गाइस ये लीजिए, आप भी टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है। देखिए लीजिए गाइस, आप भी बताइए टेस्ट करके कि कैसा बना है। देखिए गाइस, बिल्कुल दानेदार है ये। देखिए गाइस, अभी बिल्कुल गरम गरम है। तो गाइस, अगर आपको ये देखिए गाइस, पूरी वीडियो देखना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो बाय गाइस, मिलूंगी अगली वीडियो में।